मुंबई लोकल में लूट की खबर पर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये अंधेरी की सच्ची वारदात है। पूरी वारदात न केवल सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई, बल्कि सिर्फ 6 घंटे में जीआरपी ने पूरा केस सॉल्व भी कर लिया। इसी महीने 8 सितंबर को विरार से चर्च गेट के लिए पहली लोकल रवाना हुई। भीड़ ज्यादा नहीं थी, ज्यादातर लोग नींद में थे, कुछ सब्जी वाले, कुछ कामकाज वाले। धीमी लोकल थी, ट्रेन चलती रही, स्टेशन आते रहे, यात्री चढ़ते रहे, उतरते रहे। तभी भईदर स्टेशन आया। यहाँ से 2 युवक एक जनरल डिब्बे में चढ़े, आपस में बात करते रहे। लोकल चर्च गेट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। लोकल जोगेश्वरी से अंधेरी की तरफ जैसे ही बढ़ी, एक डिब्बे में जो हुआ उसकी किसी ने शायद कल्पना न की होगी। भईदर से चढ़े 2 युवकों ने डिब्बे में एक युवक को धर दबोचा। एक ने उसका मुंह दबाया, दूसरे ने मोबाइल छीना, जेब से पार्सल निकाला, फिर अंधेरी स्टेशन आया। तब तक सुबह के 3:43 का वक्त हो गया था। जैसे ही अंधेरी स्टेशन पर लोकल रुकी, अचानक एक युवक लोकल रुकते ही तेजी से भागता है, बल्कि भाग जाता है, लेकिन उसके दूसरे साथी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। उसे दूसरे डिब्बे में मौजूद पुलिस वाले के हवाले कर दिया जाता है। दरअसल 2 युवकों ने लोकल के जनरल डिब्बे में एक शख्स का मोबाइल और रुपए लूटे और फरार होने की कोशिश की। एक सफल रहा तो दूसरा पकड़ा गया। पकड़े गए युवक से पूछताछ में पुलिस को उसके दूसरे साथी का पता मिला। पुलिस ने महज 6 घंटे में दूसरे लुटेरे को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी भईदर में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में उनका काम बंद हो गया था। दोनों यूपी के रहने वाले हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने लूट की योजना बनाई, लेकिन लूट की पहली वारदात में ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल एक यात्री भईदर से आंधेरी रेलवे पुलिस आंधेरी स्टेशन आ रहे थे। उसी टाइम वो लगेज डिब्बे में अकेले ट्रैवल कर रहे थे। उसी वक्त 2 अननोन लोग अंदर घुसे। उन्होंने उसको धक्का बुक्की करके उसके पास का मोबाइल और पैसा छीन के आंधेरी स्टेशन आते वक्त भागने की कोशिश की। उसी वक्त उधर ड्यूटी पर जो आरपीएफ के स्टाफ थे उन्होंने और वो जो फरियादी है उसने उसको एक को पकड़ा। उसको पुलिस स्टेशन ला के इंक्वायरी किया तो उसने बताया कि उसने मोबाइल खिंचाए और उसका जो साथीदार था वो पैसा लेके भाग गए। उसी टाइम हमने तुरंत हमारे सीनियर पीआई साहब निकम साहब उनके मार्गदर्शन पे टीम बना के भईदर एरिया में जाके उसकी तलाश ली। उसको 6 घंटे के अंदर पकड़ के पुलिस स्टेशन लाया। उसको इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने बताया कि जल्दी पैसा कमाने के लिए, नशा करने के लिए उसने वो चोरी किया था, मोबाइल खींच के लेके भाग गया था। तो उनको उन दोनों को अरेस्ट करके 392 के आईपीसी 392 में अरेस्ट किया है और उनका जो अगला इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है। सर इनके नाम क्या है वो जो केस नंबर 210 सेक्शन 392 लगा है उनके ऊपर। एक का नाम है अंकित राजेश चौबे और दूसरे का नाम है जितेंद्र रुदल चौहान। वो लगभग दोनों 19-20 साल के और भईदर एरिया में रहने वाले दोनों आरोपी हैं।